ज्ञानवापी के 8 बंद ताखानों को खोलने की याचिका पर जिला सत्र न्यायालय में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। इस मामले में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे की पक्षकार राखी सिंह की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अन्य ताखानों के भीतर हिंदू मंदिर हैं जिन्हें वर्षों से छिपाया जा रहा है। राखी सिंह के वकील बहादुर सिंह, अनुपम द्विवेदी, सौरभ तिवारी ने ज्ञानवापी परिसर में बंद ताखानों को खोलने और उनके ASI सर्वे की मांग की है। वादी पक्ष ने याचिका में बंद ताखाने का नक्शा भी लगाते हुए कहा है कि भीतर अन्य गुप्त ताखाने हैं जो बंद ताखानों के अंदर हैं। इन ताखानों का सर्वे करके सच बाहर आना चाहिए। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को तलब किया है। आज जो 7 मुकदमे जो एक क्लब कर लिए गए थे और जिसमें मुकदमे में सर्वे हुआ है, साधारण सर्वे और SI सर्वे हुआ था, इस मुकदमे की आज तारीख थी, जिसमें जिला जज के यहाँ पतावली चल रही है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के सेवानिवृत्त होने के बाद मुकदमे की जो है कार्रवाई, अभी कोई नया जिला जज नहीं आया है, इसलिए आगे नहीं हो पा रही है। अपर जिला प्रथम न्यायाधीश के यहाँ इसको पेश किया गया, जो कि लिंक कोर्ट हैं, उन्होंने 11 अप्रैल डेट दे दिया गया। अंजुमन तियामिया की तरफ से एक अर्जेंटमेंट आया था कि आज की कार्रवाई स्थगित कर, रमजान का महीना आपत्ति तैयार नहीं कर पाया, उनको समय दिया जाए। इस पर मेरी मौखिक आपत्ति रही और 11 अप्रैल इसमें तारीख निर्धारित कर दी गई। पहले चीज तो डेट लंबा लग गया था, जिस पर हम लोग का डेट नज़दीक करने के लिए कहा गया तो अंजुमन तियामिया ज़्यादा आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, डेट लंबा चाहिए, रोज नहीं आएंगे, रोज काम नहीं होगा। फिर बताया गया कि मामला संगीन है और थोड़ा सा सेंसिटिव होने के नाते इस पर नज़दीक तारीख कर दिया जाए, तो 11 अप्रैल किया गया। उन्होंने अपनी आपत्ति न तैयार करने का कारण मात्र रमजान महीना में अपना रोजा कारण बताया, जबकि रोजा में और काम कर रहे हैं तो आपत्ति तैयार हो जाना चाहिए। जान करके उन्होंने, उनका काम ही है लटकाना भटकाना, किसी तरीका से मुकदमे की कार्रवाई में लंगड़ करना ताकि कार्रवाई से पूर्ण हो सके, इसलिए हम लोगों ने उस पर मौखिक आपत्ति किया, तो 11 अप्रैल तक उनको अवसर मिला है। मुख्य रूप से जो केस है उसमें क्या डिमांड किया है? देखिए, जो सबसे पहले तो ASI सर्वे जो हुआ है उस पर उनकी आपत्तियाँ नहीं थी। शैलेंद्र पाठक ब्यास वाले में जो उन्होंने ब्रैकेटिंग काट करके जो तहखाने में पूजा हुआ है, प्रारंभ हुआ है, उसके छते बहुत कमज़ोर हैं, जर्जर हैं, और उस पर अनावश्यक रूप से अंजुमन तियामिया के लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं और कभी गिराने के फिराक में हैं, जैसे वो छत पर न जाए, उसे छत को मरम्मत के आदेश भी दिया जाए, इस पर उनकी आपत्ति आनी थी और लोगों पर आपत्ति आना था, तो अभी उन्होंने दिया नहीं।